जीएसटी देते हो? क्या नाम है आपका? अग्रवाल जी, बड़ी सुंदर टी शर्ट पहनी है, है? बताओ भैया कितने की खरीदी, कितने की खरीदी टी शर्ट? 1000 रुपए की इन्होंने ये सुंदर टी शर्ट खरीदी। भैया इधर आओ, दिखाओ टी शर्ट, ये आ जाओ ऊपर, ये देखो अग्रवाल जी, चढ़ जाओ ऊपर। हाँ ये अब देखो, उस पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे भाई खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। ये अब अग्रवाल जी, ये आपने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी है ना, खरीदी या गिफ्ट दिया किसी ने? खरीदा। इसमें आपने जीएसटी कितनी दी? नहीं दुकानदार जाने ना भाई, आपने दी है 18% आपके जेब में से जीएसटी निकली, आपको पता भी नहीं लगा। ठीक है, अगर गौतम अदानी यही शर्ट खरीदता, कौन सी दुकान में खरीदी? अंबिकापुर में वो आएगा तो है नहीं, उस दुकान में जाएगा नहीं। मगर अगर मान लो एक दिन वो यहां अपने जो इसने जो जंगल लिया है उसको देखने आ जाए और चले जाए, अदानी दुकान में चला जाए, कह भैया मुझे ये अग्रवाल जी की टी शर्ट चाहिए, कितने का खरीदेगा? 1000 रुपए का खरीदेगा? वो जीएसटी कितनी देगा? उतनी ही देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी कितनी है? 50,000। अदानी की आमदनी कितनी है? गिनती नहीं है। जिसकी गिनती नहीं है वो भी उतनी देगा जितनी ये देगा। अच्छा ठीक है, इन्होंने दे दी, जीएसटी का पैसा कहां जाएगा? सरकार के पास। सरकार के पास से कहां जाएगा? अदानी जी के पास। तो आप जीएसटी दे रहे हो, वो जीएसटी दे रहा है, आपका पूरा का पूरा जीएसटी का पैसा फिर से उसकी जेब में जा रहा है। अग्रवाल जी खड़े होइए एक मिनट, अब देखिए अग्रवाल जी थोड़ा चौड़ा होके ऊपर होके, ऊपर आइए, घबराइए नहीं, टूट जाएगी बाद में देखेंगे। अब देखो खड़े हो जाओ, हाँ छाती फैला के। अब देखो, अब मान लो ये, मान लो अग्रवाल जी हमारे दोस्त हैं और ये कहीं किसी मार्केट में चले गए और किसी ने इनका, दो तीन लोगों ने सोचा कि भाई अग्रवाल जी की हम जेब काटेंगे। मान लो जो भी है उन्होंने मन बना लिया कि भैया हम इसका जेब काटेंगे, तो पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या करना पड़ेगा? तीन लोग आएंगे, अकेला तो नहीं आता ना, तीन आते हैं, एक आगे से आएगा, एक पीछे से आएगा, एक थोड़ा देखेगा दूर से। ठीक है, पहला आएगा क्या करेगा? और फिर हाँ हाँ ध्यान भटकाएगा, कहेगा भैया उधर देख, भैया उधर देख, भैया उधर देख, सही बात है। तो भैया देखो, आप सबका पहले ध्यान भटकाया जाता है। देखो भैया भैया देखो क्रिकेट चल, फिर क्या होता है? फिर पीछे से बंदा आके ठक जेब काट देता है। जीएसटी नोटबंदी वही है। ठीक है, और आखिरी क्या होता है? उसके बाद तीसरा बंदा क्या करता है? तीसरा बंदा देखता है अगर आपने कुछ ज्यादा आवाज की तो दो झापड़ मारेगा। सही बात है, वही हो रहा है। आप यहां पे थोड़ी सी आवाज करो, पुलिस आ जाएगी। आप छोटे दुकानदार हो, आपने थोड़ा सा कहा कि भैया हमें अच्छा नहीं लग रहा, आ जाएगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आ जाएगा। आप छोटे व्यापारी हो, आपने कहा भैया अदानी जी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, एकदम आ जाएगी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। तो ये हो रहा है आर्थिक और सामाजिक अन्याय। 73% लोगों को कुछ नहीं मिल रहा हर रोज। अब देखिए अग्रवाल जी पढ़े लिखे हैं, अग्रवाल जी क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या पढ़े आप? बिजनेस,
मगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बीए किया। देखो भैया बीए किया है, भैया एक बात बताओ, खड़े हो जाओ, आपके आपके जेब में बटुआ है? नहीं है, पैसे हैं? अच्छा सेलफोन है? अगर मैंने आपसे सेलफोन निकाल, आपके जेब से सेलफोन निकाल दिया तो आपको पता लगेगा कि सेलफोन निकाल दिया? और मगर जैसे आपके हाथ में सेलफोन मैंने छीन लिया, आपको पता लगेगा? मगर आपको आपसे 1000 रुपए में से 18 रुपए 180 रुपए ले लिए गए, आपको मालूम ही नहीं, मगर आपको पता भी नहीं लगा। आपने सबके सामने कहा भैया मैंने जीएसटी नहीं दी, मैंने तो दी नहीं। दुकानदार जाने, भैया 180 रुपए दुकानदार ने आपके जेब से निकाल दिए, आपको पता भी नहीं लगा, उससे पीछे किसी और ने निकाल दिए, तो चेन बना दी है। ये उससे पैसे ले रही है, ये उससे पैसे ले रहे हैं, ये उस चेन बनी हुई है, और अंत में चेन का पूरा फायदा अदानी जी का है। और आप लोग कह रहे हो भैया हमें तो, हमने तो 18% नहीं दिया, हमने 15% नहीं दिया। पेट्रोल भरते हो गाड़ी में, जीएसटी कितना लगता है? चुप हो गए। आपने ये टोपी खरीदी, जीएसटी कितनी लगी? नहीं मालूम। तो आपसे चोरी हो रही है, रोज हो रही है। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपको जो करना करो। अच्छा अगर मैं यहां 100 साल पहले आता और मैं आपसे पूछता भैया नशा किस चीजों से होता है, आप क्या बताते मुझे? नशा किन किन चीजों से नशा हो सकता है, क्या बताते मुझे? अगर 100 साल पहले आता, गांजा और दारू और देसी दारू। अच्छा नशे का क्या मतलब होता है? नशे का मतलब जो नहीं, जिसका ध्यान भटक जाता है। शराब बंदा क्यों पीता है? क्योंकि वो जो उसकी जिंदगी है उसको देखना नहीं चाहता, वो ध्यान को भटकाना चाहता है, इसलिए लोग शराब पीते हैं। ये भैया ये जो सेलफोन है इसमें आप कितने घंटे देखते हो दिन में? सच बताओ, मुस्कुराओ मत, कितने घंटे देखते हो इसमें? हाँ 8-10 घंटा ये सेलफोन में अपना ध्यान रखता है। ये नशा नहीं है क्या? ये नशा है। 8 घंटे इनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, सिर्फ सेलफोन में जाता है। ये वीडियो देखते हैं, हंसी आती है, नशा तो ये हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।